विधानसभा चुनाव का प्रचार अब आखिरी चरम पर है और इसीलिए सभी प्रत्याशी अब जी जान लगाकर प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद झाड़सा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कुमुदनी का चांदी की बाल्टी देकर ये सुनिश्चित किया कि झाड़सा के ग्रामीण कुमुदनी के साथ है। वही कुमुदनी ने भी लोगों को विश्वास दिलाया कि इस सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगी। परिवार मेरे साथ है, परिवार की खुशी है, वो अपनी जीत अभी से मना रही है और आप देख रहे होंगे। पहले भी आप झाड़सा गांव आए हैं, कितना आपके मतलब परिवार में और ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुंभा दिन से कितने परिवार इकट्ठा था। झाड़सा गांव बहुत बड़ा है तो हम हमेशा एक जगह नहीं आए, तो हम अलग अलग पट्टी में आए हैं और सब पट्टियों का प्यार हमारे साथ है। आने वाले चुनाव में आप कितने आश्वस्त थे, पूरा कवर हो गया है और सिर्फ अभी हम पैसे मिल रहे हैं परिवार से और जीत हमारे बहुत करीब है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकर रहेंगे। नारी शक्ति का आपने दिया और नारी शक्ति बहुत आपको सम्मान दे रही है, क्या लगता है कि नारी शक्ति भी विधानसभा में, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है और नारी शक्ति अपनी सीट निकाल के रहेगी। आप देखिए कितना अपार समर्थन है, पूरे गांव के हर कोने से आदमी आया हुआ है और आपने देखा होगा सम्मान दे के भी लोगों ने कितना बड़ा एक भाई साहब को समर्थन के रूप में सम्मान भी दिया है और एक प्रण भी लिया है कि अब की बार कुमुदनी राकेश दौलताबाद। हम तकरीबन अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसको 95% पूरा कर चुके हैं। जो हमें सबसे ज्यादा कवरेज समर्थन मिल रहा है वो आपके चैनल के माध्यम से, मैं निःसंकोच बोलना चाहूंगा, मैं खुले दिल से बोलने वाला इंसान हूँ, मात्र शक्ति का मिल रहा है। जब से बादशाहपुर विधानसभा बनी है 2009, 2014, 2019 और 2024 कुमुदनी राकेश दौलताबाद अकेली ऐसी महिला प्रत्याशी है जो चार बार से अब की बार सर्वाधिक जयपुर विधानसभा क्षेत्र में मातृ शक्ति को ऊंचा उठाने जा रही है।